शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कब तक ऐसा चलता रहेगा रानी? कब तक तुम इस झूठ का बोझ उठाती रहोगी? कब तक इस तरह से घुट-घुट कर जीती रहोगी तुम? रानी तुम कहो तो मैं सबसे बात करता हूं, सबको सच्चाई बताता हूं, कम से कम तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो जाएगी। नहीं करण, अभी वक्त नहीं आए, अभी बाबा एक कड़वा सच नहीं सह पाएंगे। लेकिन तुम्हारा क्या रानी, मैं तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता। घर में सब उसे राज समझते हैं, सब उसके साथ इतना खुश है, हमारा क्या है? हम तो राज को मनी मन याद करके खुश हो लेते हैं। बस जब भी मंगलसूत्र देखते हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, मन बेचैन हो जाता है। कभी ये मंगलसूत्र हमारी पहचान हुआ करती थी, आज राज क्यों चले गए? रो लो रानी, कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ तो जरा हल्का हो जाए। हर एक के सामने तुम्हें चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लानी पड़ती है, यहां मेरे सामने रो लो। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले। मेरा जी कराया कि पेंटिंग की जाए, मेरा साथ दो ही। हाँ आप एक हरी भरी वादी की पेंटिंग बनानी शुरू की थी मैंने, अधूरी रह गई, अब इसमें रंग भर देते हैं। ये क्या बेटा, ये रंग तो वीराने का है, पतझड़ का है, ये उदास रंग क्यों? यहां और भी तो रंग है जो बाहर बिखेर देंगे इस वादी में,
पर पापा, पतझड़ में बाहर के रंग? पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, तभी तो कोपले फूटते हैं। और तभी तो बाहर के रंग छा जाते हैं। राजनी आया बेटा? वो माई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पापा, चिंता की कोई बात नहीं है, हल्का सा सर दर्द था, हमी ने उनका आराम करने के लिए कहा है। राज तो यही है। खुश रहो बेटा, अभी अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हम लोग, पर रानी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, वो रानी यूं ही इतना चिंता करती रहती। हाय कोमल जी। जी हाय। Unbelievable. आप और चॉकलेट नहीं खाएंगी? प्लीज एक तो ले लीजिए। प्लीज देख रही है समधन जी? और बेटी की नजर। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सीरियल है। वैसे बता रहे हैं, आपको भी सीरियल देखने का चस्का है। वो तो है। और वैसे भी समधन जी, फालतू की बकबक करने से तो अच्छा ना कि आदमी चुपचाप अपना सीरियल देखता रहे। जी वैसे बकबक कौन करता है? लोग, लोग समधन जी, और वही लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, फालतू होते हैं, ऐसे लोग तो बकबक ही करते हैं, बकवास ही करते रहते हैं। वो तो है, लेकिन कौन सा सीरियल है ये? अरे ये वही वाला है जिसमें वो हीरोइन है ना, उसकी माँ उसके ससुराल में आकर रह गई है। जब से मुई बुढ़ी आई है, तब से तो उसने जीना हराम कर दिया है, सबका नाक में दम कर दिया है, आग लगाए चले जा रही है। ये नहीं कि अपने घर वापस चली जाए। अब देखिए ना समधन जी, आप भी अपनी बेटी के ससुराल आई हैं, लेकिन आप में इतनी समझ तो है ना कि आप 2-4 दिन रुकेंगी उसके घर में और फिर अपना सामान वामान उठा के अपने घर वापस चली जाएंगी। लेकिन इस कमबख्त को देखिए, ये तो जमकर ही बैठ गई है, हिलने का नाम नहीं लेती बेटी के ससुराल से। मेरे लिए आपकी दी हुई कसम। पता नहीं हर की क्या कर रही है। मैं जरा देख के आती हूँ समधन जी। देखिए ना, देख के आती हूँ। अरे देखिए, बहुत अच्छा सीन चल रहा है। अकेली होगी बेचारी, क्या करी मैं अभी। अब देखिए, मैं अभी आई। राज, ये क्या कर रहा है बेटा तू? माँ, वो शर्ट का बटन टूट गया था। अरे तो रानी ने लगा कर नहीं दिया? अरे माँ, जीती रहे बेटा, खुश रहे। तूने इसके शर्ट में बटन क्यों नहीं लगाया? माँ, नहीं माँ, रानी ने तो कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसे ऑफिस के लिए देर भी हो रही थी ना। देख राज, एक बात कह देती हूँ, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तू अगर ये हरकतें करेगा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा।
ये तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती बेटा, और मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकती, समझा? इसलिए तू शर्ट में बटन नहीं लगाएगा। माँ हम आपके लिए चाय बनाते हैं। अरे नहीं बेटा, रहने दे चाय, वो घर में अशांति आई भी है ना, जाना पड़ेगा। अशांति माँ? अरे वही आरती की माँ शांति। अरे रानी जब से आई है ना, मेरा तो जीना हराम कर दिया उसने, नाक में दम कर दिया है राज बेटा उसने। जब देखो तो कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अरे आजकल तो ऐसा लगता है जैसे मैं उस घर में मेहमान हूँ और घर उसका है। अरे रानी बेटा, तुम दोनों वहीं क्यों नहीं आ जाते खाना खाने के लिए, साथ में खाना खाएंगे। जी माँ। और वैसे भी तुम दोनों अगर वहाँ आओगे तो मेरा ध्यान जो है वो यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, ना किसी अशांति की तरफ ना किसी शांति की तरफ। मैं चलती हूँ, तुम लोग दोनों जल्दी आ जाओ। ठीक है माँ। कोमल जिंदल, कोर्ट का नोटिस है। धीरज जिंदल अपनी पत्नी कोमल जिंदल की भट चलनी, बदतमीजी और बुरे व्यवहार से तंग आकर अदालत से अपनी पत्नी से तलाक की मांग करते हैं। भाई, उन लोगों ने हमारी फूल सी बच्ची पर ऐसा घिनौना है। भाई जी आप घबराइए मत, वो लोग कुछ भी कहें, हमें अपनी बच्ची पर विश्वास है ना, हम जानते हैं अपनी बच्ची की अच्छाइयों को, और राम जी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। देख लीजिएगा सब अच्छा होगा। नहीं कोमल बेटा नहीं, बस बेटा बस बस बस। मुझे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी भाई, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा था ना पापा, ये लोग माफी के लायक नहीं है। सारी गलती इन लोगों ने की और सारा इल्जाम कोमल पर मर दिया। पहले ही हम लोगों ने नोटिस भेज दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, इनकी तो हिम्मत ही नहीं होती। हाँ पापा, उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग डर के चुपचाप बैठ गए, इसीलिए उन्होंने एक और ऐसी हरकत कर दी। देखो बेटा, मैं सबसे ज्यादा इस बात से परेशान हूं कि क्या कोमल अदालत में उनके घटिया और बेबुनियाद सवालों का जवाब दे पाएगी। न जाने क्या क्या, अनिल कैसे कैसे सवाल करेंगे वो इससे। पापा हमें उनके झूठ से डरना नहीं है, और वो कहते हैं ना, अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। हाँ पापा, हमें उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। पापा मुझे लगता है राज और पुनीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द किसी अच्छे लॉयर से बात करनी चाहिए। हमें इस केस में ऐसे लॉयर की जरूरत है जिसे हम पर्सनली जानते हो। हाँ, एक लॉयर को मैं पहचानता हूँ, ही इज वेरी गुड। मिस्टर तलवार, इस केस को लड़ने के लिए सबसे अच्छे वही रहेंगे, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। राम 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 राम।
राम 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 राम। अरे राज बेटा, देख तो तेरे लिए मेथी की सब्जी बना रही हूँ। क्या बात है बेटा, यहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? उन लोगों ने कोमल जी जी पर इल्जाम लगाया है कि उनके किसी के साथ नाजायज। जी 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 जी। इतनी ओछी हरकतों पर उतर आए हैं वो लोग। बेचारी कोमल, क्या बीत रही होगी उस पर। लेकिन देख लेना, अगर कोमल की हाय ले रहे हैं तो वो कभी सुखी नहीं रहेंगे वो लोग। वैसे भी राज बेटा, जो लोग दूसरे को दुख देते हैं, सुख चैन छीन लेते हैं, आंसू देते हैं, उन्हें भगवान कभी भी सुखी नहीं रखता, दुखी देता है उनको भी अंत में। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि सलोनी के झूठे केस में हम लोग भी ऐसे ही परेशान हुए थे। सलोनी का केस? हाँ राज बेटा, तू भूल क्या? तुझे याद नहीं, वो वक्त तो हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा था, लेकिन उस वक्त भी रानी ने ही हम लोगों की इज्जत बचाई। उसने सलोनी का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, जेल चली गई वो, ताकि सलोनी की शादी में रुकावट ना आए। बेटा, है तो रानी इस घर की बहू, लेकिन हमेशा बेटियों की तरह साथ दिया है उसने, हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी रही है वो। राज बेटा, मेरी बात सुन। देख, ऐसे वक्त पर तुझे मित्तल साहब का पूरा पूरा साथ देना चाहिए, बिल्कुल जैसे एक बेटा साथ देता है ना? जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अरे बातों में तो मैं भूल ही गई तुझसे पूछना, तूने सुबह से कुछ खाया? मैं तेरे लिए खीर लेकर आती हूँ, आज खीर बनाई थी। आपके लिए लाऊं? राम 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 राम। वैसे बता रहे हैं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इस राज का इस घर में आना कम करवाना पड़ेगा, और दामाद जी को आरती की मुट्ठी में लाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। राम 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 राम। अब मैं धीरज की दूसरी शादी करूंगी। वैसे भी अमृतलाल मेरे बहुत पीछे पड़ा अपनी बेटी को लेकर, 9 करोड़ रुपए देने को तैयार है वो, 9 करोड़। पापा को तकलीफ दे देना चाहती थी, लेकिन आज मेरे कारण पापा इतने दुखी हो रहे हैं। मैं सबके तकलीफ का कारण बन चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जीजी, जीजी, प्लीज रोइए मत। हमारे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं, वो अपने ऊपर कोई भी तकलीफ सह सकते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों के आंसू नहीं सह पाएंगे। जीजी, जीजी, जिन लोगों ने आपके साथ इतना अन्याय किया वो तो यही चाहते हैं ना कि आप रोएं, तड़पें, गिड़गिड़ाएं, दुखी हों, और रोकर आप उनके मकसद को कामयाब कर रही हैं। अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए, पापा के लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा, और यही मौका है जब आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। जी जी, हिम्मत से काम लीजिए।